Viewers, as we continue to track the second phase where 93 seats go to polls, what you just saw was 31 seats in the north of Gujarat, and the central region, the central Gujarat region, has about 61 seats to that. We're going to keep a keen eye on all the developments leading up to the final day of the campaign. Campaign ends tomorrow for the second phase, but let me get you now this important interview right here at the riverfront where I'm standing at the Atal Bridge. This afternoon I spoke to the Home Minister of Gujarat, Harsh Sanghvi, 37-year-old young youth leader of the Bharatiya Janata Party. I asked him about what does the low voting percentage in the first phase mean for the Bharatiya Janata Party. Is it cause for concern? And why is it that the BJP still insists it's a bipolar contest when the Aam Aadmi Party is also in the fray? Lots of questions. What about the Oreva, the owner of Oreva, with what went down in Morbi? Why hasn't he been arrested? Is it because he's a Patel? Harsh Sanghvi takes all these questions. Harsh Sanghvi ji, आप होम मिनिस्टर हैं, आप खुद चुनावी क्षेत्र में उतरे थे इस बार. चुनाव आपका तो खत्म हो गया, सेकेंड फेज है. कितने कॉन्फिडेंट है भाजपा पहले फेज को लेके, जो 89 सीट्स? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के नागरिकों का एक संबंध रहा है, 27 साल से चल रहा हमारा ये संबंध, 2022 से 2027 तक गुजरात के हित में, गुजरात राज्य के सभी नागरिकों के हित में आगे बढ़ेगा. एक ऐतिहासिक नतीजे पे गुजरात की जनता और भारतीय जनता पार्टी का संबंध 8 दिसंबर को आगे बढ़ने जा रहा है. हर्ष सांघवी जी, ऐतिहासिक तो एक चीज और हुई है, 2012 में आपकी 112 सीट आई थी. जो वोटिंग परसेंटेज थी, मान लीजिए जो भी है, वो घट के वोटिंग परसेंटेज 6-7%, 2017 में आपकी 99 सीट्स आई हैं. अब वो वोटिंग परसेंटेज 10% और घट गई है. कोई कोई की पॉकेट्स हैं सौराष्ट्र में जहां पर मान लीजिए आपका गढ़ कहा जाता था. अगर आप राजकोट ले लीजिए, जामनगर ले लीजिए, भावनगर ले लीजिए, जो डिफरेंस, हाँ मतलब सौराष्ट्र में तो जो डिफरेंस आ रहा है, कम से कम 10% के ऊपर वोटिंग परसेंटेज आ रहा है. क्या आपका जो वोटर है बाहर नहीं निकला है? जो वोटर्स बाहर निकला है ना, वो एक एक वोट गुजरात के हित में डाले गए हैं. आपने देखा होगा कि कई वोटर्स की आंखों में एक सपना था और गुस्सा भी था. सपना ये था कि हमारे गुजरात को और उन्नत बनाएंगे, और गुस्सा ये था कि गुजरात तोड़ने आने वाले एक एक लोगों को जवाब देंगे. मैंने आपको बताया कि 8 दिसंबर को गुजरात की जनता और भारतीय जनता पार्टी के ये संबंध और आगे बढ़ने जा रहे हैं. तो ये जो वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, क्योंकि ट्रेडिशनली देखा जाता है भाजपा को इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जब वोटिंग परसेंटेज कम होती है, अगर हम आंकड़े देखें तो. जी ना, ये अगर आंकड़े और इसका स्टडी अगर ठीक से किया जाएगा जी, तो कहीं ना कहीं जो हमारे पॉजिटिव बूट्स हैं, जो हमारे एकदम मैक्सिमम वोट्स जो बीजेपी को जो बूट्स से मिलते हैं, वहां पे तो वोटिंग बहुत ज्यादा हुआ है. वोटिंग जहां कम हुआ है, वो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए मुझे लग रहा है कि एक रेड सिग्नल आ गया है. कल ही रेड सिग्नल आप कह रहे हैं कांग्रेस के लिए आया है, दोनों साउथ में और सौराष्ट्र में. सौराष्ट्र स्वीप किए थे वो 2017 में. देखिए, समाज के नाम के बंटवारे में आप शायद एक आध चुनाव जीत जाओ, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए लोगों के बीच में प्यार पाना पड़ता है, एक संबंध होना चाहिए, और खास तौर पे लोगों के काम करने पड़ते हैं नीति से. तो एक बार धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बंटवारे में लोग जीत गए, लेकिन रिपीट होना बहुत ही मुश्किल है उनके लिए. तो आपको लगता है कांग्रेस इस बार जो उनकी शोइंग थी 2017 में, इस बार नहीं रही? देखिए, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच के ये चुनाव में ये वक्त गुजरात की जनता ने बहुत कड़ा निर्णय लिया है. हम एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं. गुजरात की जनता और भारतीय जनता पार्टी ये देश में गुजरात के विधानसभा चुनाव में एक नया इतिहास लिखेगी.